नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही है। एनपीसीएल के अलावा एक और बहुत ही अच्छी पीएसयू है जिसका नाम गेल है, और ये गेल में भर्ती निकाली गई है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, जिसमें सीटों की संख्या 391 बताई गई है और सैलरी लगभग आपको 40,000 के आसपास मिलने वाला है। जो भी सुविधा पीएसयू में मिलता है, वही सेम सुविधा इस गेल में भी आपको मिलने वाला है। और इतनी सारी भर्ती आ रही है, अगर आप घर बैठ के इंतजार करें कि हमें रोजगार मिल जाए, हमें नौकरी मिल जाए, तो बाबू जब तक पढ़ाई होगा नहीं तब तक नौकरी मिलने की संभावना नहीं होती है। 8 सितंबर को नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए और आपको सरकारी नौकरी मिलेगा। ग्रांटेड है, अगर आप मेरे कहे अनुसार पढ़ाई करते हैं तो फिर आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। दूसरा, 8 सितंबर को एक बहुत बड़ा सेमिनार लेने वाले हैं, और यह सेमिनार आईटीआई इतिहास का सबसे बड़ा सेमिनार होने वाला है। अगर आप इस सेमिनार का हिस्सा बनते हैं तो हम आपको देंगे करेंट अफेयर मैगजीन फ्री पूरे एक साल के लिए। डेली का जो क्विज होता है, मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का असाइनमेंट आपको हम देंगे, डेली करेंट अफेयर आपको मिलेगा, ये सब फ्री मिलेगा सेमिनार में हिस्सा लेने वाले लोगों को। तो जल्दी से सेमिनार के लिए आप तैयार हो जाइए और 8 सितंबर को सेमिनार अवश्य ज्वाइन करिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जो बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, डाउनलोड करने के बाद इस मास्टर कोर्स में चले जाइएगा, और मास्टर कोर्स के अंदर में आपको मिलेगा हीटर का फाउंडेशन बैच, इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच, मैथ का फुल कोर्स आपको मिल जाएगा, आपको रीजनिंग का फुल कोर्स मिल जाएगा, आपको जनरल नॉलेज का फुल कोर्स मिलेगा, आपको टर्नर का मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कंबाइन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों कोर्स ले लें, तो बाबू इसमें और आगे बढ़िएगा तो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एक साथ मिल जाएगा। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको कि फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि भर्ती बहुत सारी आ रही है, किसी एक पार्टिकुलर पर फोकस नहीं करना है। फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिएगा, सबका तैयारी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप और जानकारी ले सकते हैं और डायरेक्ट कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो साइबर कैफे वाले क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, और गलत करने की वजह से आपका फॉर्म रद्द हो जाता है या बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, इस वजह से आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आता है। तो ये हमारे इजीवे कोचिंग का हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर केवल फॉर्म भरने के लिए। तो अगर आपको फॉर्म भरवानी है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए, चार्ज बस उतना ही देना जो आप साइबर कैफे को देते हैं, आपका फॉर्म बढ़िया से भर दिया जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, जहां से आप डायरेक्टली जाकर फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, 8 तारीख से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म को अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही दे दिया है, सीटों की संख्या के बारे में चर्चा किया है, तो ऊपर वाले जितने भी पोस्ट इधर दिख रहे हैं ये सब डिप्लोमा लेवल का पद है, ठीक है ना। फोरमैन की बात करें, जूनियर इंजीनियर की बात करें, केमिकल जूनियर इंजीनियर की बात करें, ये सब किसके डिप्लोमा लेवल के हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो जूनियर केमिस्ट्री, ये सब अकाउंटेंट समझ सकते हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेबोरेटरी वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑपरेटर केमिकल प्लांट वाले जो 12th पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां से 11 नंबर से आईटीआई का शुरू होता है, 11 नंबर से। तो 11 नंबर पे देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल है, मतलब इलेक्ट्रीशियन वाले इसमें फॉर्म भरेंगे। टोटल सीटों की संख्या इलेक्ट्रीशियन के लिए 44 दिया हुआ, ठीक है। उसी तरह से बात करें टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए तो यहां पर 45 है। टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए जिसमें फिटर वाले अप्लाई करेंगे 39 है, ठीक है। और एक दुखद यह है इसमें कि भाई एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, नॉर्मल भी एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहां पर टेक्नीशियन टेलीकॉम ऑपरेटर के लिए है और इसमें 11 सीट है। और इसके अलावा ऑपरेटर फायर के लिए, अगर फायर सेफ्टी का आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 39 सीट है, ठीक है ना। ऑपरेटर बॉयलर का, बॉयलर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो 8 सीट है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़े तो यहाँ पे अकाउंटेंट्स और बिजनेस असिस्टेंट के लिए पद दिया गया है। अकाउंट असिस्टेंट के लिए 13 है और बिजनेस असिस्टेंट के लिए 65 है। टोटल 391 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इधर रिजर्वेशन की बात किया गया है, ठीक है ना। इसको आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा, जो मुख्य रूप से चीज दी गई उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो पहला जो पद था जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़े
तो सारे में एक्सपीरियंस लिखा गया। हम आईटीआई पर सीधे चलते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे इसे डाउनलोड करके आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो 11 नंबर है, 11 नंबर से आपका आईटीआई का शुरू होता है, ठीक है। तो इसी तरह से स्क्रॉल करके जब 11 नंबर पर आप पहुंचते हैं, तो यहां से देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रिकल में आपका पे स्केल 24,500 से लेकर 90,000 रुपए है, ठीक है ना, ये आपका पे स्केल है। और इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट दिया है 26 ईयर फॉर UREWS पोस्ट विथ अप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी एससी एसटी। 26 साल एज लिमिट है, अपर एज लिमिट है ना, अपर एज लिमिट 26 साल दिया हुआ है। एज के बारे में डिटेल्स और समझेंगे आगे, ठीक है। यहां पे देखिए क्वालिफिकेशन में बोला कि मैट्रिक पास होना चाहिए, नहीं तो आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। सॉरी, मैट्रिक के साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक कंडीशन ये है। अगर आप मैट्रिक पास हैं और आईटीआई किए हैं इलेक्ट्रीशियन से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या मैट्रिक के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है केवल, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन दोनों इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहां पर बोला है कि भाई मिनिमम 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन। इलेक्ट्रिकल में एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, या अंडरटेकिंग में, या लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशंस में, कंपनी में, मतलब किसी तरह का, जैसे सर्विस सेंटर भी होता है ना, बहुत सारे सर्विस सेंटर है, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स हैं, बहुत सारे जो रिपेयरिंग सेंटर है जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंदर में, वहां से अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फायदा यह होता है कि एक्सपीरियंस वाले में बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई करेंगे तो चांस यहां पर नौकरी का बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बढ़े 12 नंबर पे, तो 12 नंबर पे देख सकते हैं, यहां पे बोला है कि भाई इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स के लिए ये बताया गया। इसमें इधर वाला पार्ट तो सेम है, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स अगर आप 10वीं के बाद आईटीआई किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे बोला है जो एक्सपीरियंस, तो सेम एक्सपीरियंस 2 साल इसमें भी मांगा गया है। उसी तरह से हम 13 नंबर की बात करें जिसमें फिटर के लिए है, टेक्नीशियन मैकेनिकल में पे स्केल देखते हैं 24,500 से लेकर 90,000 जो इलेक्ट्रीशियन का है वही है यहाँ भी, है ना। एज लिमिट भी 26 साल है अपर एज लिमिट। और इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि आईटीआई आपका होना चाहिए किससे भाई, फिटर से और डीजल मैकेनिक से, मशीनिस्ट टर्नर से। अगर आपका आईटीआई फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट टर्नर है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आईटीआई नहीं है, 10वीं के साथ अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस भी यहाँ वही मांगा है कि भाई 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस मैकेनिकल डिपार्टमेंट होना चाहिए, है ना, मैकेनिकल से रिलेटेड काम होना चाहिए। इसके लिए सर्विस सेंटर, रिपेयरिंग सेंटर, बहुत सारे शोरूम्स होते हैं गाड़ियों का, वहां से या तमाम कहीं से भी अगर जो रजिस्टर्ड संस्था वहां से एक्सपीरियंस लिए अपने ट्रेड का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आप लोग बनाए जरूर होंगे, ठीक है। 8 सितंबर वाला सेमिनार में आइएगा आप लोग, हम आपको बताएंगे कि एक्सपीरियंस कैसे बनता है, कैसे किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देख सकते हैं 14 नंबर पर टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेंट्री। यहां पर बोला है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आपका क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। एज भी यहाँ वही दिया हुआ, 26 साल अपर एज लिमिट है, और पे स्किल 24,500 से लेकर 90,000 रुपए है, ठीक है। ऑपरेटर फायर के लिए आगे बढ़े तो यहां पे दिया है 15 नंबर पर ऑपरेटर फायर के लिए, क्या दिया है भाई ऑपरेटर फायर के लिए, कि 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए, और साथ में 6 मंथ का फायरमैन का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तब जाकर इसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इसके अलावा पंप ऑपरेटिंग, पंप ऑपरेट करने के बारे में भी जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। अदर फाइटिंग इक्विपमेंट्स और फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसको भी चलाने आना चाहिए, ठीक है ना। यहां भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, तो अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से ऑपरेटर बॉयलर की बात करें तो ऑपरेटर बॉयलर में बोला है कि अगर आपके पास बॉयलर का सर्टिफिकेट है अटेंडेंट का, 10वीं के बाद अगर आपने आईटीआई किया है किससे, बॉयलर अटेंडेंट से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बढ़े तो इसके अलावा अकाउंटेंट है और बिजनेस असिस्टेंट है, तो यहां भी सेम वही क्वालिफिकेशन है भाई, बैचलर डिग्री होना चाहिए 3 साल का, किसमें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब बीबीए, बीबीएस या बीबीएम होता है इसमें। यहां भी बोला है
कि अकाउंटेंट असिस्टेंट में कि आपका बीकॉम है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में एक्सपीरियंस 1 साल का मांगा हुआ है तो इस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो दिया था 26 साल, उसमें छूट मिलेगा SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, ठीक है ना। हैंडीकैप है तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। ये समझते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 10.1 से शुरू करते हैं। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो अगर आपके फॉर्म में कोई त्रुटि नहीं है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगर आपने वो सब दिया है तो आपके फॉर्म को शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको बुलाया जाएगा रिटेन एग्जाम के लिए, ठीक है। और जिनका अकॉर्डिंग टू जो नोटिफिकेशन है उस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं अपलोड किया तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि फॉर्म को सावधानी से भरना होगा। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो हमारा जो नंबर दिया गया है फॉर्म भरने वाला, उस पर फॉर्म भरवा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर आते हैं कि भाई एग्जाम कैसे लिया जाएगा, क्या होने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 से लेकर 18 तक जितने भी पद है सबके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया। हम एग्जाम लेंगे कैसे लेंगे, तो बोला कि रिटन टेस्ट लेंगे और ट्रेड टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट सब में लिखा हुआ है, यहाँ भी रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट लिखा हुआ। मतलब क्या है कि वैसा पद जो टेक्निकल है इसमें स्किल टेस्ट का जरूरत पड़ेगा तो स्किल टेस्ट लेगा। जो टेक्नीशियन वाला पद है ना, जो टेक्नीशियन और लेबोरेटरी वाला पद है उसमें स्किल टेस्ट भी होगा। रिटन एग्जाम आपको पास करना होगा, पास करने के बाद ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाएगा, मतलब स्किल टेस्ट के लिए बुलाएगा। स्किल टेस्ट में केवल और केवल आपको पास करना होगा, पास कर जाएंगे तो जो मेरिट बनेगा वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनाया जाएगा और ये एग्जाम ऑनलाइन होने वाला, CBT एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बढ़े तो एग्जाम के बारे में और भी चर्चा किया हुआ है। क्या चर्चा है भाई कि यहाँ पे जो आपका एग्जाम होगा, CBT एग्जाम जो होगा वो 100 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, सही करने पर 1 नंबर मिल जाएगा और गलत करने पर किसी तरह का कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ठीक है। और आपका जो समय है 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और हिंदी और इंग्लिश में ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम होने वाला है, समझ गए। अब जब एग्जाम हो जाएगा तो जो इलिजिबल है, जो नंबर सही लाए हैं, कम से कम मिनिमम अगर नंबर 40% से ज्यादा है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 40% से नंबर आपका ज्यादा है, अगर आप EWS से हैं, सॉरी EWS और जनरल वालों को 40% नंबर लाना है, 35% बोला है कि OBC को लाना है और जो SC ST उनको 30%, ये मिनिमम कट ऑफ है, इतना नंबर लाना होगा तब जाके आपके फॉर्म पर विचार किया जाए और स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में जो कैंडिडेट होंगे 1:5 में होंगे, मतलब एक सीट पे 5 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है। अब स्किल टेस्ट जो पास करेगा, केवल स्किल टेस्ट पास करना है, ठीक है ना। स्किल टेस्ट क्या करना है आपको, केवल पास करना है, इसमें नंबर ऐड नहीं होता है। अगर आप स्किल टेस्ट पास कर जाते हैं तो फिर जो आपका नंबर होगा ना उसके अनुसार कट ऑफ जारी किया जाएगा और कट ऑफ के अंदर में जो लोग होंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको नौकरी पर रख लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें प्रक्रिया पूरा किया जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करने के बाद डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। जो डाउट आएगा, जो जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम अलग से वीडियो बना देंगे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि जो हमारा टेस्ट सेंटर है पूरे देश में, दिल्ली NCR, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इतना जगह ही है, इतनी तमाम सिटियों में इसका टेस्ट सेंटर रहेगा। तो जो भी सर आपके नजदीक में है वहां पर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा इसको जरूर डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना है। अब इसमें जो एज है, मिनिमम 18 साल आपका एज होना चाहिए और मैक्सिमम 26 साल, एज में छूट भी मिलेगा, OBC को 3 साल, SC ST को 5 साल और हैंडीकैप को 10 साल, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो डेट दिया हुआ, डेट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डेट क्या है भाई। तो यहाँ पे डेट क्लियर मेंशन कर दिया है कि भाई जो हम एग्जाम लेने वाले हैं उससे पहले आपको फॉर्म भरने का मौका जो दिया जाएगा 8 अगस्त से लेकर, मतलब 8 जो बीत चुका है, 8 अगस्त से स्टार्ट है फॉर्म और 7 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। इसके बीच में आपको क्या करना होगा, फॉर्म को अब भर लेना होगा और इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा और आप एग्जाम देंगे। बस इतना ही इसमें दिया हुआ है, बाकी उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। जिसको समझ में नहीं आया होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, जो जो चीजें समझ में नहीं आएगा कमेंट करेंगे। सिलेबस की जहां तक बात करें, सिलेबस बोला है कि अलग से हम वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। सिलेबस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो हम अलग से वीडियो बना देंगे, बस आपका काम यह है कि कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके हमें सूचित कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।